हॉस्टल में जाके पटाखे फोड़े थे सिर्फ, उसके बाद जो हमें नथिंग एक्साइटेड, हर लड़के यही करते हैं, हर लड़के यही करते हैं ना, बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल में जाके पटाखे फोड़े थे, नथिंग एक्साइटेड। तो विशाल आपने क्या हटके किया था? मैंने सही में हटके किया, मैंने मेरे पटाखे जलाए, कसम खा के बोलो, मेरे बाबा जा रहे थे, मेरे रॉकेट बाबा जाके धोती में घुस गया और ये सच में हुआ था, जो गालियां पड़ी थी पढ़नी भी चाहिए थी, ये हुआ था। अच्छा, आप लोगों को अगर मौका दिया जाए किसी भी क्रैकर से एक दूसरे को रिलेट करने के लिए, तो आप इन्हें किस कौन से क्रैकर से रिलेट करेंगे और आप इन्हें? ये वो पतली वाली रॉकेट होती है ना, जो उसके ऊपर वैसे टिप होती है, उसको ऐसे जलाओ, आप वेट करो कहाँ तक जा रहा है बम, क्यों दूर जाके फटती है ये, और खूब सारे रंग है ना इसमें, जैसे कि आप देख ही रहे हो, माय बेबी फुल सलमा सितारा, दिवाली लग रही है मेरी, ये मुसलमान भाइयों की ईद ही मिलती है, मेरी दिवाली है। शिवांगी आपके कहना चाहिए? I'll tell you why. सुनो ना, पतली, पतले, लंबे, लंबी वाली फुलझड़ी। ओके। या और जो जहाँ पे भी उसे जलाओ ना, वहाँ पे वो रोशनी कर देती है, वहाँ पे वो सबको मतलब उजाला हो जाता है वहाँ पे। और इनके साथ भी ऐसा है, ये जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ पे कोई सैड रह ही नहीं सकता, मतलब वहाँ पे ये सबको खुश कर देते हैं, इतने स्वीट है। अरे मुझे वो कहने का मौका मिला, थैंक यू सो मच। अपने फैंस को क्या विश करें? हैप्पी दिवाली, खुश रहिए, इस बार दिवाली आपके अंदर के शैतान को मारे यार, मैं चाहता हूँ चलो अच्छे इंसान बन जाए, बहुत जरूरी है, गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे सेट पे शादी का माहौल है, किसकी शादी है, क्या कुछ चल रहा है? ये है गुड्डी की शादी, जो कि प्रियम लाखन मिथिलेश और राजकुमार की बहन है और मेरी सहेली है, बहुत अच्छी, तो ये उसकी शादी हो रही है यहाँ पे। अपनी शादी से वो खुश नहीं है कि वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन क्योंकि मेरे भाई से प्यार करती है और मेरे भाई ने उसे चीट करके भाग गया था, तो शी इज़ नॉट हैप्पी अपनी शादी से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। क्या बिल्कुल नहीं? सेम लोचा वही जो चलता है ना चारों तरफ, वही हो रहा है। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, कुछ खास मतलब क्या है कि हमारी एक बहन इकलौती बेगूसराय की जो ये कहानी है उसमें हम चार भाई, हमारी एक ही बहन है, उसकी शादी तय हुई है और उसी का ये सब तामझाम चल रहा है अभी, और पता नहीं वो खुश है कि नहीं खुश है, इसने तो न्यूज़ लीक कर दी, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सच में वो खुश नहीं है और वो नहीं चाहती कि शादी करे, सच में सेम कहानी।